जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके के महावीर नगर इलाके में एक बंद दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महामंदिर थाना अधिकारी लेखराज ने बताया कि फरवरी महीने में ललित राठी अस्पताल गया हुआ था। पीछे से रात में अज्ञात चोरों ने घर में रखी हुई नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था और इसी मामले को गंभीरता से देखते हुए टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए पहले से चालान शुदा लोगों पर भी नजर बनाई रखी। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए अजहरुद्दीन, वैभव देवड़ा और सुभाष सोनी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 20/2/21 को ललित राठी निवासी महावीर नगर माँ मंदिर ये बाहर गए हुए थे। पीछे इनके मकान पे कोई चोर ताड़ा तोड़कर अंदर से चोरी कर ली थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान वैभव देवड़ा, सुभाष सोनी और अजरुद्दीन तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा इन्होंने बनाड़ और जयपुर में भी चोरी की और वारदातें करना स्वीकार की है। इनके माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके और भी कितने मुकदमे और अपराध की इनके पूर्व में भी चोरी के मुकदमे दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी की सामग्री बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने बनाड़ थाना इलाके में भी चोरी की वारदातों को कबूला है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए, पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।